रेलवे के टिकट काटने वाले ने ऐसा जादू दिखाया जिसे देखकर हर कोई चकराया। पलक झपकते ही बदल दिया 500 का नोट, लोग बोल रहे हैं जादूगर कहां से आया। आप भी देखिए रेलवे के लोगों की ये करतूत जिसे देखकर हर कोई है परेशान। पलक झपकते ही बदल दिया नोट, लोग कह रहे हैं गजब है ये इंसान। जी हाँ जनाब, दिल थाम कर बैठिए और हमारे इस वीडियो को बिना पलक झपकाए देखते जाइए, क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसा जादू होने वाला है जिसे देखकर आपका माथा ठनक जाएगा, चकरा जाएगा और आप कहेंगे ये कैसे हो गया, क्योंकि इस जादू की चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। लोग बोल रहे हैं भाई बंगाल का जादूगर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कैसे आ गया, जो पलक झपकते ही 500 के नोट का आकार बदलकर उसे 20 रुपए का नोट बना देता है। जब तक आप अपनी पलक झपकाएंगे ये इंसान आपकी आंखों के सामने से ही आपको ऐसा चूना लगा देगा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे और ना ही सुनने वाले और देखने वाले को यकीन होगा। लेकिन अपने इस वीडियो में हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, पूरी हकीकत बताएंगे और रेलवे के जादूगर टिकट लेने वाले की करतूत भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आप एक पल के लिए हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको इस पूरे मामले की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद लोगों के क्या रिएक्शन है वो बताएंगे। दरअसल अभी तक आपने बंगाल के काले जादू के बारे में सुना होगा या देखा होगा, जहां पर इंसान को जानवर बना दिया जाता है या फिर किसी चीज को बदल दिया जाता है। ऐसा ही जादू दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां हर रोज लाखों की भीड़ आती है। हर दिन लाखों लोग टिकट लेने के लिए खिड़की पर लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। इस टिकट देने वाले इंसान की करतूत को भी ऊपर वाले ने ऐसा रिकॉर्ड किया जिसके हाथ की सफाई के चर्चे जमकर हो रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में दिख रहा ये इंसान एक टिकट काउंटर के पीछे बैठा है, लोगों को टिकट दे रहा है। लेकिन अब जरा गौर से देखिए, जो इंसान टिकट लेने वाला है उसने टिकट के लिए 500 का नोट टिकट काउंटर पर बैठे इस इंसान को दिया। बस यहीं पर खेल हो गया। टिकट काउंटर पर बैठे शातिर इंसान ने पलक झपकते ही 500 के नोट को 20 रुपए से बदलकर यात्री को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, काउंटर पर बैठे इस इंसान ने 125 रुपए के टिकट के लिए यात्री से और भी पैसे मांगे, जिसके बाद मामला आगे बढ़ा तो टिकट काउंटर पर लगे कैमरे की इस क्लिप को देखा गया, जहां पर इस इंसान की करतूत का पर्दाफाश हो गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। लोग इस वीडियो के सामने आने के बाद अपने साथ हुए इस धोखे की कहानियां भी बता रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे सेवा और दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे का भी ध्यान गया, जिसके बाद रेलवे ने जवाब देते हुए कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की बात कही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कमेंट भी वायरल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, वाह अविश्वसनीय, इस रेलवे कर्मचारी को अवार्ड देना चाहिए, जाने कितने लोगों को इसने ऐसे ठगा है, इसे तत्काल निलंबित करें और इसके सभी रिटायरमेंट लाभों को रोका जाना चाहिए। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि इस तरह के कर्मचारी हमारी भारतीय रेल की हालत खराब कर रहे हैं और हमें शर्मसार कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने तो अपने साथ हुए धोखे की कहानी को बताते हुए लिखा, ये मेरे साथ भी हुआ है। भुगतान करते समय एक अधेड़ उम्र के चाचा ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए और टिकट वाले ने मेरे 500 रुपए के नोट को 100 रुपए से बदल दिया। उस दिन मुझसे 400 रुपए ठग लिए। तो इस तरह से रेलवे के इस महाठग के कारनामे के लोगों के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं। आपका रेलवे के इस कर्मचारी की करतूत पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।